ये LG का डबल डोर का रेफ्रिजरेटर जिसका आज हम लोग टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने वाले हैं, सारी डिटेल आप लोग को मिलने वाला है चैनल पे, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ लाइट का ऑप्शन है और बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीजर फ्रीज लिख करके। उससे पहले कुछ चीज़ें आप समझें, टेम्परेचर कभी भी एडजस्टमेंट करना होगा तो सामने के स्टिकर आपको मिलता है जिसमें लिखा होता है समर, मानसून और विंटर। और यहाँ पर भी लाइट का एडजस्टमेंट यहाँ पर शो हो रहा है कि भाई समर में 1-2 पे रखना है, मानसून में आपको डायरेक्ट 3 में रखना है, और आपका जो विंटर रहता है वहाँ पर आपको 4-5 में लाइट में आपको रखना है, इस तरह से मेंशन किया हो रहा है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल समझना है तो भाई यहाँ पर हम लोग आएंगे, जिससे हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे। इस बटन को प्रेस करेंगे हम लोग जितना फ्रीजर वाले बटन को, तो लाइट ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा कूलिंग मिलेगा। और अगर आपको कन्वर्ट मोड चाहिए, मतलब कि ऊपर नीचे नॉर्मल कूलिंग चाहिए, आइस नहीं चाहिए, तो भाई फ्रीजर बटन को 3 सेकंड के लिए अगर आप प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हो होल्ड 3 सेकंड, इसको यहाँ कन्वर्ट मोड ऑटोमेटिक लाइट सिर्फ जल जाएगा, और जो कोल्डेस्ट के पास इस जगह पे लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा इसको 3 सेकंड प्रेस करने से, यहाँ पे जिसके जो लाइट चल रहा है। तो ये कन्वर्ट मोड आपको हो जाएगा, ऊपर नीचे नॉर्मल कूलिंग करेगा, आइस नहीं जमेगा। नीचे की तरफ में आएंगे तो ये फ्रिज का ऑप्शन है, मतलब नीचे डोर का, तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका कूलिंग करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए सुपर चिल, तो इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा नीचे में, ऑटोमेटिक आपका ये सुपर चिल वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और नीचे बहुत ज़्यादा आपको कूलिंग मिलने लगेगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आप ऊपर नीचे में कूलिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। बाकी एयर फ्लो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा इस जगह से और इस जगह पे, जो कि नीचे का डोर का एयर फ्लो रहता है। बाकी यहाँ से भी एयर फ्लो आपको मिलेगा क्योंकि ये एयर के थ्रू ही आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो भाई LG का रेफ्रिजरेटर में कुछ इसी प्रकार से आपको कूलिंग मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ में पंखा लगा हुआ रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एयर हमारा फेंक रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा, नॉलेजेबल वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही।